तो आज हम देखने वाले हैं सॉफ्ट कर्ल कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आइकॉनिक का ये मल्टी टोंगर ले लिया है। इसमें मैंने 3 नंबर का जो ये टोंग मशीन है वो यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो मेरे काफ़ी स्ट्रेट हेयर हैं और मुझे सॉफ्ट कर्ल ही पसंद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से कोम कर लेना है, और आपका जैसे भी पार्टीशन है आप फ्रंट से वैसे रखिए, उसके बाद पीछे से आप पीछे तक ऐसे दोनों साइड में डिवाइड कर लीजिए। एकदम आसान तरीका है। उसके बाद मैंने यहाँ से एक साइड क्लचर करके हम एक साइड का करेंगे। आपको याद रखना है कोम हमें अच्छे से करना है, तभी जाके लास्ट में अच्छे से फिनिशिंग मिलेगी। उसके बाद हमें कॉर्नर से ऐसे एक साइड से थोड़े से हेयर निकाल लेने हैं, और बाकी के जो है उसे हम ऊपर टक कर लेंगे। आप देख सकते हो, और जो हमने हेयर लिए उसे भी अच्छे से कोम कर लेना है इस तरीके से। ये टोंग मशीन अभी गर्म हो चुकी है, इसे हमने 20-30 पे रखा था फुल टेम्परेचर पे। हमें अंदर की साइड में रख के इसे इस तरीके से राउंड राउंड करना है। काफ़ी ध्यान से करना है आपको, क्योंकि ये मशीन काफ़ी गर्म होता है। तो इस तरीके से हमें एकदम कर लेना है, और करने के बाद हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक रखना है। अगर आप चाहो तो होने के बाद इसके ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हो। स्प्रे करने के बाद काफ़ी लास्टिंग और काफ़ी देर तक रहता है। तो आप देख सकते हो मैंने 2 से 3 मिनट ही रखा, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से हो गया। अगर आप जल्दी में हो और बड़े बड़े सेक्शन लेके कर रहे हो तो आपको और थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं काफ़ी छोटे छोटे ले रही हूँ तो इसलिए वो जल्दी से हो जा रहा है। और मैंने मशीन का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हाई रखा है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे सेक्शन लेके इस तरीके से राउंड करते करते कर लेना है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी, लेकिन एकदम इजी है। इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको करने नहीं आएगा। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हो रहे हैं। और ये जो मशीन है जिस आइकॉनिक का जो मैंने यूज़ किया है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसमें हमें 5 तरीके के ये टोंग दिए हैं जो हमने फ्रंट में लगाया है। तो काफ़ी बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। ये मैंने जो मिडल साइज़ 3 नंबर है वो यूज़ किया है इस तरीके से। आप अगर सिर्फ अपने लेंथ पे ही चाहते हो तो आप ज़्यादा ऊपर साइड से मत कीजिए। मैंने ऊपर से किया, आप देख सकते हो रूट को मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ के ही किया है। अगर आपको सिर्फ लेंथ पे ही चाहिए तो आप ज़्यादा नीचे रख के कर सकते हो। इस तरीके से हमें कर लेना है। आपको याद रखना है ये करने से पहले आपको अच्छे से हेयर वॉश करना है, और हेयर वॉश सिर्फ आपको शैम्पू वॉश करना है, कंडीशनर नहीं लगाना है। अगर आप कंडीशनर लगा रहे हो तो काफ़ी सिल्की हो जाते हैं, और हेयर अगर सिल्की हो जाएंगे तो टोंग अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। अगर हो भी गया तो ज़्यादा लास्टिंग नहीं करेगा। तो हो सके तो आप सिर्फ शैम्पू वॉश कीजिए, कंडीशनर स्किप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें पूरे कर लेना है, पूरे हेयर में छोटे छोटे सेक्शन लेकर ही करना है। तो हमारा एक साइड का हो चुका है, अब हम दूसरी तरफ भी सेम उसी हिसाब से करना है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप टोंग करोगे तो टोंग अपना नीचे साइड होना चाहिए, ऊपर साइड लोगे तो वो उल्टे टोंग आएंगे और सीधे से, और वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। अगर आप नीचे साइड से करोगे तो वो काफ़ी अच्छे से बैठते हैं।
इस तरीके से। अगर आपके हेयर थोड़े ड्राई है और आपको आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप हेयर को थोड़ा सा पानी से अपने हेयर को स्प्रे करके भी आप कर सकते हो, तो अच्छे से बैठ जाएंगे। आपको आपके कान से भी काफ़ी दूर रखना है, क्योंकि उसका जो गर्म है वो लग सकता है, तो आपको एकदम ध्यान से करना है, वो काफ़ी गर्म होता है। अगर आपका राउंड फेस है जैसे मेरा है, तो इस फेस पर काफ़ी अच्छा लगता है टोंग। अगर आप पार्टी में जाना चाहते हो, कोई फंक्शन है, तो आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो, और आप खुले भी रख सकते हो या क्लचर वगैरह भी कर सकते हो या वन साइड भी रख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके पास ये टोंग मशीन नहीं है, कोई भी है, तो आप उसे कर सकते हो। अगर आप देखिए इस तरीके से थोड़ा सा उसको स्प्रेड करके हेयर को करोगे, तो उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है, इस तरीके जैसे मैंने किया है, आप देख सकते हो। थोड़े से हेयर लेना है, उसको अपने फिंगर से ही ऐसे स्प्रेड करना है, और स्प्रेड करते करते हुए उस टोंग के ऊपर रखना है, तो इस तरीके से रिज़ल्ट आता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। उसके बाद हम अपने फिंगर से उसको खोल लेंगे, एकदम हल्के हाथों से खोलना है, वरना वो पूरे कल्स अपने निकल सकते हैं। तो मैंने एकदम नेचुरली रखा है, ज़्यादा ये नहीं किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा भी कल्स पसंद नहीं है। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।